मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आदिवासी समाज की बैठक संपन्न हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें बहुत विभिन्न कानून की नीति संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो क्या उसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, आज की जो मीटिंग है एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग है, जिसमें सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, सभी सामाजिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी जन संगठनों के पदाधिकारी, चिंतक, बुद्धिजीवी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसका एक मकसद है कि जो पेशा अधिनियम है, जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जो आते हैं, 89 ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में है, उन पर जो पेशा अधिनियम पर जो नियमावली है, पेशा अधिनियम जो है 1996 में लागू तो हो गया है, लेकिन 25-26 साल होने के बाद में भी उसके लिए स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के कोई नियमावली नहीं बन पाई है और उसको सिर्फ पंचायती राज अधिनियम के तहत चलाया जा रहा है। तो इस विशेष अधिकार के रूप में जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से उन्होंने एक उसको इस पेशा अधिनियम को क्रमिक रूप से लागू करने की बात कही है, इसकी नियमावली पर काम करने की बात कही गई है, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि उस ड्राफ्टिंग में हम किसी भी स्तर पर कोई सहयोग दे पाएँ। उसी के तहत आज सभी सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, जन संगठन मिलकर उस पर उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें, पंचायती राज अधिनियम के अलावा जो पेशा है, जो पंचायत विस्तार अधिनियम है, 5th शेड्यूल के एरिया में है, वहाँ पर जो जिस प्रकार से जो ग्राम सभा या उसको हम पारंपरिक ग्राम सभा बोल लें, उसके जो अधिकार है, उनकी परंपराएं, उनके स्वावलंबन, उनका प्रबंधन, उसका प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से वो लोग अपने क्षेत्र में कर पाएँ, आदिवासी वर्ग उसमें कैसे समाहित कर पाए, उनको विशेष अधिकार जो मिले हुए हैं उनका प्रबंधन कैसे सही तरीके से हो, कोई प्रस्ताव अगर ग्राम सभा के माध्यम से अगर पारित होता है तो उनका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी सुनवाई किस आधार पे हो, अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर्स हैं उनके लिए किस प्रकार के प्रावधान होना चाहिए, वो सजा के हों। तो ये निश्चित रूप से चूँकि नियमावली बनी है, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, सामाजिक संगठनों के लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो एक ड्राफ्टिंग शासन स्तर पे तो बनी है, लेकिन वो ड्राफ्टिंग सीधे हमारे सामने आ गई, लेकिन हमारा किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना, तो हम लोगों ने जब सभी लोगों ने मिल के मीटिंग किया और हमने एक चर्चा की कि निश्चित रूप से हम लोग सब मिल के, सब चिंतक हैं या बुद्धिजीवी भी हैं, विशेषज्ञ हैं, हम लोगों ने मिलकर उसकी एक ड्राफ्टिंग पर काम किया और कम जिला स्तर पर मीटिंग हुई, संभाग स्तर पर मीटिंग हुई और मुख्यालय भोपाल मुख्यालय स्तर पर 3 बार मीटिंग होने के बाद में कुछ ड्राफ्ट बनाए हैं। आज राज्यपाल महोदय जी के सामने उस ड्राफ्ट को हम सबमिट करेंगे और कल भी हमारी मीटिंग है जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और सब लोग शामिल हैं, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को उस ड्राफ्ट को सौंपेंगे और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर चिंतन के बाद में उसकी एक ड्राफ्टिंग हुई है, उस ड्राफ्टिंग के जो बिंदुओं को सकारात्मक रूप से मुख्यमंत्री जी लेंगे और उसको तैयार करेंगे, यही हमारी मंशा है। सर, कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो रोजगार भी छीनता हुआ जा रहा है, पहले जैसे जंगल से महुआ है या अन्य औषधि चीज़ें उनकी उपलब्ध आसानी से हो जाती थी, लेकिन जंगल बचे नहीं है, वो जो सरकारी ज़मीन पर आदिवासी खेती करते थे तो फॉरेस्ट ज़मीन को भी अपने कब्जे में ले रही है। देखिए, पेशा अधिनियम की बात करें या वन अधिकार अधिनियम की बात करें, जब इनका प्रबंधन की बात होगी, सही नियमावली बनेगी तो उनका प्रबंधन और उसका संचालन सही तरीके से हो पाएगा। हम जो जिस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं ये पूरी व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, जब नियमावली बन जाएगी तब उस नियमावली से काम करेंगे, तो जो वन उपज जिसकी आप बात कह रहे हो
उस वन उपज के प्रबंधन पर भी काम होगा, और निश्चित रूप से प्रबंधन पर जब काम होगा तो उसके जितने उपार्जन होगा या आजीविका के लिए जो लोकल क्षेत्र में जो भी हो वो उसका प्रबंधन में जब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लोकल क्षेत्र को मिलेगा फायदा। सर कहने कहीं जो आदिवासी संप्रदाय है, आदिवासी जो लोग हैं वो महुआ की दारू बना के उसका विक्रय करके अपना परिवार पालन करते हैं, लेकिन शासन ने आज तक उनका मान्यता नहीं दी। देखिए क्या होता है कि जब तक कोई चीज़ का प्रबंधन या प्रशिक्षण किसी पे नहीं होता है तो उसका रॉ मटेरियल का जिस प्रकार से लोग लोकली उपयोग और उपभोग कर सकते हैं वो करते हैं। जब हम कहते हैं कि महुआ से सिर्फ दारू नहीं बनती है, महुआ तो एक फूल होता है, उसमें एक जो उससे उसका फल जो होता है जिसको हम गुली बोलते हैं उससे तेल भी निकलता है, उससे खली भी बन सकती है। हम कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट महुए से हम निकाल सकते हैं, तो अभी तक उसकी पहचान सिर्फ कच्चा शराब बनाने में कहते हैं, लेकिन वो इतना पौष्टिक होता है, उसका फूल इतना पौष्टिक होता है, उसके कई प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो महुआ के फूल के बारे में ऐसा कहा जाता है वो कभी खराब नहीं होता है, आप 20 साल 100 साल के बाद में भी उस फूल को पानी में डालोगे तो उसका नॉर्मल स्वरूप में आ जाता है और इतना पौष्टिक होता है, सारे विटामिन उसमें होते हैं। तो हम उस पर ना जाएं कि उससे सिर्फ शराब बनेगा, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। उसका हम सही उपयोग कैसे कर पाएंगे इस पर हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अशोक कुमार स्कोले, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, आदिवासी महापंचायत का संरक्षक हूं और निवास क्षेत्र मंडला जिले में विधायक हूं।